आईपीएल 2024 के लिए रिटर्न और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट आ चुका है, लेकिन रेटिंग को लेकर जो खबर है वह रुकने के नाम नहीं ले रहा है। इस बार का जो आईपीएल 2024 के लिए ट्रेडिंग विंडो है कुछ लंबे समय के लिए खुल गया है और बता दें कई बड़े खिलाड़ी ट्रेड हो चुके हैं। ऐसे में कई बड़े और खिलाड़ी ट्रेड होने वाले हैं, तो ऐसे ही कुछ बड़े खिलाड़ियों को बात करने वाले हैं जो कि ट्रेड होने वाले हैं। इसमें जॉनी बेस्टो का भी नाम है, दिनेश कार्तिक का भी नाम है, इसके अलावा जसप्रीत बुमराह जो कि हॉट टॉपिक बने हुए हैं ट्रेडिंग को लेकर। तो क्या है ट्रेडिंग को लेकर खबर, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आईपीएल से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबरें लाते रहते हैं। तो बात करें आईपीएल 2024 के लिए ट्रेडिंग विंडो अभी भी खुली हुई है और इसके लेकर जो बातचीत है टीमें करती हुई नजर आ रही है। बता दें कि चेन्नई सुपर किंग सबसे ज्यादा बातचीत कर रही है सभी टीमों से ट्रेडिंग को लेकर, क्योंकि उन्हें अंबाती राइडू को रिप्लेसमेंट चाहिए। इस वजह से ट्रेडिंग के जरिए ही टीम में शामिल करना चाहती है, क्योंकि ऑक्शन में उतना बड़ा खिलाड़ी नहीं आने वाले हैं। बात करें टॉप 5 ट्रेडिंग को लेकर जो कि आज बड़ी खबर निकल के आ रही है, इनमें से जो पहला खबर जुड़ा हुआ है वह जुड़ा हुआ है जसप्रीत बुमराह से। आप सभी को मालूम है कि जसप्रीत बुमराह थोड़ा बहुत नाराज चल रहे हैं मुंबई इंडियंस से, इस वजह से इनके लेकर जो ट्रेडिंग खबर है वह बेहद ज्यादा चल रही है और इसी वजह से कई बड़ी टीम जसप्रीत बुमराह से संपर्क भी की है। खबर है कि लगभग 5 से 6 टीमें जसप्रीत बुमराह से संपर्क किए ट्रेडिंग को लेकर। वैसे जसप्रीत बुमराह किसी को मना भी नहीं किए, यानी कि जसप्रीत बुमराह ट्रेड भी हो सकते हैं। अब इसमें मुंबई इंडियंस का भी हामी चाहिए, लेकिन मुंबई इंडियंस शायद ही दे, लेकिन अगर मुंबई इंडियंस हामी भर देती है तो जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2024 में दूसरे टीमों से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। जसप्रीत बुमराह किसी भी टीम में जाएंगे, चाहे वह रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु हो चाहे वह चेन्नई सुपर किंग हो, वह टीम और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इनके पास जो T20 की गेंदबाजी है शायद ही किसी गेंदबाज के पास, स्पेशली डेथ ओवर में इनसे बेहतर वर्ल्ड क्रिकेट में कोई भी तेज गेंदबाज नहीं है। तो वहीं हम बात करें दूसरे सबसे बड़ा ट्रेड के लेकर, जो खबर चल रहा है वह जुड़ा हुआ है दिनेश कार्तिक को लेकर। बता दें कि दिनेश कार्तिक में कई बड़ी टीमें बेहद ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसमें जो एक बड़ी टीम है चेन्नई सुपर किंग भी है। चेन्नई सुपर किंग जो कि चाहती है कि दिनेश कार्तिक का ट्रेड हो, आरसीबी उन्हें देते और चेन्नई सुपर किंग में शामिल हो दिनेश कार्तिक। इसका जो सबसे बड़ा वजह है लोकल खिलाड़ी। बता दें कि चेन्नई के लिए दिनेश कार्तिक एक लोकल खिलाड़ी है, जैसे चेन्नई सुपर किंग खोज भी रही है एक लोकल खिलाड़ी और यह काम कर सकते हैं चेन्नई के लिए दिनेश कार्तिक। और जो अनुभव है दिनेश कार्तिक के पास कमाल का है, अगर वह आगे अपने परफॉर्मेंस में सुधार करते हैं तो चेन्नई सुपर किंग के लिए एक बड़े खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। इसीलिए चेन्नई सुपर किंग कंटिन्यू संपर्क में है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का ट्रेडिंग को लेकर और यह अभी ट्रेड हो सकता है आईपीएल 2024 में। हमें चेन्नई सुपर किंग से खेलते हुए नजर आ सकते हैं दिनेश कार्तिक। तो ही हम बात करें तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड का लेकर, जो खबर है क्विंटन डिकॉक को लेकर है। क्विंटन डिकॉक कमाल के ओपनर बल्लेबाज और साथ में शानदार विकेट कीपर बल्लेबाज है जो कि लखनऊ सुपर जायंट में है। बता दें कि आईपीएल 2023 में उतना मौका नहीं मिला था क्योंकि काइल मेयर्स ही ओपनिंग किया करते थे। इसके अलावा एक और ओपनर शामिल हो चुका है लखनऊ सुपर जायंट में, इसके अलावा केएल राहुल ऑलरेडी है, यानी कि ओपनर स्लॉट है वह पूरी तरह से भर चुका है और लखनऊ सुपर जायंट में शायद क्विंटन डिकॉक को फिर से मौका ना मिले क्योंकि काइल मेयर्स एक बेहद ही तेज तरह शुरुआत देते हैं। इस वजह से काइल मेयर्स को बैक करती है लखनऊ सुपर जायंट। ऐसे में फिर से लखनऊ सुपर जायंट से शायद उतना मौका ना मिले क्विंटन डिकॉक को खेलने के लिए। इसीलिए क्विंटन डिकॉक चाहते हैं कि उनका ट्रेड हो और इनमें जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड टीम दिख रही है वह है और ओपनर बल्लेबाज चाहिए जो कि क्विंटन डिकॉक यह काम कर सकते हैं। बेहतरीन ओपनर है, बेहतरीन विकेट कीपर है और केकेआर में ऑलरेडी जो कि गौतम गंभीर जा चुके हैं और पहले जो कि लखनऊ सुपर जायंट में थे, इस वजह से उनके काम से प्रभावित भी है और इसीलिए ट्रेड के लेकर बात चल रही है केकेआर और लखनऊ सुपर जायंट में क्विंटन डिकॉक को लेकर। वहीं हम बात करें चौथा बड़ी खबर का, तो वह जुड़ा हुआ है जॉनी बेस्टो से। जॉनी बेस्टो कमाल के बल्लेबाज है, वह भी ओपनिंग करते हैं या फिर मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं जॉनी बेस्टो। और बता दें कि जॉनी बेस्टो का भी ट्रेड को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। बता दें कि जॉनी बेस्टो अभी उनका करंट टीम पंजाब किंग्स है, लेकिन अब उनका नया टीम SRH हो सकता है क्योंकि एक बेहद ही बड़ा मीटिंग हुई है पंजाब किंग्स और SRH में जॉनी बेस्टो को लेकर। जॉनी बेस्टो पहले भी SRH के हिस्सा रह चुके हैं, SRH चाहती है कि जॉनी बेस्टो फिर से उनके टीम में शामिल हो और बतौर ओपनर खेलते हुए नजर आए। तो आपको क्या लगता है जॉनी बेस्टो SRH में शामिल होंगे तो उनके लिए कितना फायदेमंद होगा, हमें जरूर बताएं। तो हम बात करें अगर बड़ी खबर का, तो वह जुड़ा हुआ है युजवेंद्र चहल को लेकर। बता दें कि युजवेंद्र चहल कमाल के स्पिनर है और भारत के बात करें तो उनमें से टॉप स्पिनर में से एक आते हैं। ऐसे में कोई भी टीम चाहती है कि युजवेंद्र चहल उनके टीम में हो, ऐसे में युजवेंद्र चहल को लेकर बड़ी अपडेट है। बता दें कि RCB ट्रेड के लेकर बातचीत कर रही है राजस्थान रॉयल्स से। शायद यह ट्रेड ना हो पाए लेकिन पूरा कोशिश कर रही है RCB कि यह ट्रेड हो, युजवेंद्र चहल फिर से RCB में आए। अगर यह ट्रेड होता है एक बेहद ही बड़ा ट्रेड होगा। हम देख चुके हैं कि किस तरह हार्दिक पांड्या फिर से अपने पुरानी टीम MI में जा चुके हैं
इससे में युजवेंद्र चहल भी फिर से अपने पुरानी टीम आरसीबी में आ सकते हैं आईपीएल 24 के लिए। तो दोस्तों यह कुछ बड़ी ट्रेड के लेकर आज बड़ी खबर निकल के आ रही थी, आपका क्या राय इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।